चेंज करो, चेंज करो। गवर्नर साहब एजुकेशन डायरेक्टर को चेंज करो, चेंज करो। गवर्नर साहब प्राइवेट स्कूल की गुंडागर्दी को बंद करो, बंद करो। गवर्नर साहब जेके एफएफसी टीम को चेंज करो, चेंज करो। गवर्नर साहब जेके एफएफसी टीम को चेंज करो, चेंज करो। गवर्नर साहब जेके एफएफसी टीम को चेंज करो, चेंज करो। गवर्नर साहब जेके एफएफसी टीम को चेंज करो, चेंज करो। गवर्नर साहब जेके एफएफसी टीम को चेंज करो, चेंज करो। गवर्नर साहब जेके एफएफसी टीम को चेंज करो, चेंज करो। गवर्नर साहब एजुकेशन डायरेक्टर को चेंज करो, चेंज करो। गवर्नर साहब एजुकेशन डायरेक्टर को चेंज करो, चेंज करो। गवर्नर साहब एजुकेशन डायरेक्टर को चेंज करो, चेंज करो। गवर्नर साहब एजुकेशन डायरेक्टर को चेंज करो, चेंज करो। गवर्नर साहब जेके एफएफसी टीम को चेंज करो, चेंज करो। गवर्नर साहब मेट्रोलॉजी टीम को चेंज करो, चेंज करो। गवर्नर साहब जेके एफएफसी टीम को चेंज करो, चेंज करो। गवर्नर साहब एजुकेशन डायरेक्टर को चेंज करो, चेंज करो। गवर्नर साहब प्राइवेट स्कूलों की लूट को बंद करो, बंद करो। गवर्नर साहब प्राइवेट स्कूलों की लूट को बंद करो, बंद करो। गवर्नर साहब प्राइवेट स्कूलों की लूट को बंद करो, बंद करो। गवर्नर साहब प्राइवेट स्कूलों की लूट को बंद करो, बंद करो। गवर्नर साहब डिप्टी कंट्रोलर को चेंज करो, चेंज करो। गवर्नर साहब प्राइवेट स्कूलों की लूट को बंद करो, बंद करो। गवर्नर साहब जेके एफएफसी के टीम को चेंज करो, चेंज करो। गवर्नर साहब प्राइवेट स्कूलों की लूट को बंद करो। देखिए ये जो आज हमारा प्रोटेस्ट है, 35 दिन हो गए हैं ये प्रोटेस्ट चलते हुए, लेकिन जो हमारी एजुकेशन डिपार्टमेंट है इसके कान में जूं तक नहीं रेंग रही। ये हमें बेवकूफ़ समझती है, जितने भी एजुकेशन डिपार्टमेंट है ये हमें पेरेंट्स को बच्चा समझता है। इसीलिए क्या करता है, 19 स्कूलों की इन्होंने लिस्ट निकाल कर हमें एक बुखलाने की कोशिश की कि हम कार्रवाई कर रहे हैं, जबकि ये कुछ भी कार्रवाई नहीं कर रहे, ये सिर्फ उनके साथ अटैचियों के रिश्ते निभा रहे हैं। और हमें माननीय हमारे राज्यपाल मलिक साहब जो गवर्नर साहब हैं, हमें पूरा विश्वास है, उन तक पूरी जानकारी है, उनको पूरी जानकारी हो चुकी है इन प्राइवेट स्कूलों की लूट के लिए। उनको पता है कि ये कैसे वायलेशन कर रहे हैं और कैसे पेरेंट्स को लूटा जा रहा है, और हमें पूरी उम्मीद है उनसे कि वो जल्द से जल्द इन पर कार्रवाई करेंगे और जल्द से जल्द जो इनकी लूट है वो बंद करवाएंगे और पेरेंट्स को राहत पहुँचाएंगे। मैं आपको आपसे आपके चैनल के माध्यम से आला अधिकारियों से पूछना चाहता हूँ कि जब हमारे स्टेट जो बोर्ड है इनका जो ऑर्डर है कि कितने ही बुक्स लगाई जाएं, उसके अलायदा जो बुक्स लगा रहे हैं ये किस लिए लगा रहे हैं? जो हफ्ते में दो दो तीन तीन यूनिफॉर्म लगाई जाती है, हर साल यूनिफॉर्म चेंज होती है, तो मैं आला अधिकारियों से पूछना चाहता हूँ क्या इस यूनिफॉर्म चेंज करने में क्या हमारे बच्चों की पढ़ाई में बढ़ोतरी होती है? ये बच्चों की पढ़ाई में बढ़ोतरी नहीं, ये सिर्फ इनकी कमीशन खोरी का एक बिजनेस बना के रखा हुआ है, जिससे ये पैसों किसी ना किसी तरह से पेरेंट्स को लूट सके और पैसे वसूल सके, कई पेरेंट्स के एनुअल चार्जेस के नाम पे, कोई फीस के नाम पे, जो जबकि हाई कोर्ट का जो ऑर्डर आया हुआ है उसमें साफ साफ लिखा गया है कि 2014 का फीस स्ट्रक्चर रहेगा और जेके एफएफसी का अप्रूवल लेना पड़ेगा अगर फीस बढ़ानी है तो, जबकि इन्होंने जेके एफएफसी का अप्रूवल लिए बिना ही पेरेंट्स से जबरन फीस ले ली और 20-25% फीस बढ़ाई गई। और वहाँ उस ऑर्डर में यह भी लिखा गया था कि विद 9% इंटरेस्ट के साथ फीस रिफंड होगी पेरेंट्स को जितनी भी 2014 के बाद फीस इंक्रीज़ की गई है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। कोई भी एक पेरेंट्स को फीस वापस होना तो बहुत दूर की बात है, इस साल भी इन्होंने 20-25% फीस बढ़ाकर ली है। और जब बड़े बड़े स्कूल हैं हमारे, जैसे गोयनका स्कूल हो गया, केसी पब्लिक स्कूल हो गया, हाईटेक स्कूल हो गया, नागवनी स्कूल हो गया, इन स्कूलों में हमारे जो एजुकेशन डायरेक्टर है जाने से भी इनको ये डरते हैं, पता नहीं ऐसा क्या है, क्या दबाव है इनका। और हमें पूरा विश्वास है माननीय हमारे गवर्नर साहब पे कि वो इनके दबाव के नीचे नहीं आएंगे और जल्द से जल्द एक्शन लेंगे और हाईकोर्ट का ऑर्डर इंप्लीमेंट करवाएंगे।